बीजेपी को अपनी ही चाल पड़ी उल्टी। वोटिंग से पहले लगे कई झटके। कांग्रेस नेताओं की करा रहे थे धड़ाधड़ भाजपा में ज्वाइनिंग, अब होने लगी वापसी। क्या कांग्रेस नेताओं को दिखाया जा रहा था डर, तो अब कैसे हो गए वो निडर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। इस पहले चरण में देश भर की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है। इस बीच दक्षिण के राज्य कर्नाटक से बड़ी खबर आई है। एक कद्दावर भाजपा नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और यहां दूसरे 26 और तीसरे 7 मई चरण में मतदान है। इस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनको उम्मीद है कि इस बार यहां से उनकी अच्छी सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक उठापटक का माहौल लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दिन तक जारी रहा। अब छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम आहके ने एक बार फिर से चौंका दिया है। यू टर्न लेते हुए विक्रम वापस कांग्रेस में वोट आए हैं। एक वीडियो जारी कर आहके ने कमलनाथ और नकुलनाथ की तारीफ में तमाम बातें कही और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट डालने की अपील की। पता हो कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 28 सीटें हैं, जबकि इकलौती छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का कब्जा बरकरार है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ फिर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद पद के उम्मीदवार है, जबकि बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उतारा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को कमलनाथ से छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। चुनावी सरगर्मी के माहौल के बीच खास रणनीति के तहत छिंदवाड़ा के असंतुष्ट और प्रभावशाली नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाया गया था, ताकि छिंदवाड़ा की जमीन कमजोर पड़ जाए। हालांकि 4 जून को घोषित होने वाले नतीजों में पता चलेगा कि किसका पड़ाव भारी है। उधर शुक्रवार को ही पड़ोसी महाराष्ट्र में भी भाजपा को झटका लगा है। शरद पवार की सक्रियता की वजह से वहां महागठबंधन के एक बड़े नेता अजीत पवार का साथ छोड़कर एनसीपी शरद गुट में शामिल हो गए हैं। उस नेता का नाम उत्तम राव जानकर है। इनकी वजह से सोलापुर इलाके की 2 से 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में शुक्रवार को पूर्व मंत्री मल्लिका गुट्टेदार ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मंत्री प्रियांक खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। 6 बार के विधायक गुट्टेदार कुलबर्गी जिले के अफजलपुर क्षेत्र से आते हैं। इस क्षेत्र में उनके उनके सगे भाई नितिन गुट्टेदार से राजनीतिक अदावत है। बीते 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ नितिन ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इस कारण वह 3rd नंबर पर आ गए थे। अब भाजपा ने क्षेत्र में नितिन गुट्टेदार को पार्टी में शामिल कर लिया है। नितिन को भाजपा में शामिल किए जाने से गुट्टेदार नाराज थे। मल्लिका गुट्टेदार को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि उनके आने से केवल कुलबर्गी में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, बल्कि पूरे राज्य में पार्टी को लाभ मिलेगा।